राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तानाशाह हो गए हैं, धन बल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो कहीं तक गिर सकते हैं, और ऐसे में राज सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गुंडों के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए 24 का लोकसभा चुनाव पास में है और जिस तरीके से राज सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव टिकट बांट रहे हैं, इसको लेकर अब कई सारे सवाल उठने लगे हैं। सत्ता पक्ष के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है, बिहार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उन्होंने लालू प्रसाद यादव के टिकट बांटने को लेकर सवाल उठा दिया है। ऐसे में सम्राट चौधरी का यह साफ कहना है कि लालू प्रसाद यादव धन बल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं तक भी गिर सकते हैं, ऐसे में राज सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गुंडों के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। यहां तक नहीं रुके सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी ने आगे भी जमकर निशाना साधा है। ऐसे में बीते दिनों सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर टिकट बांटने को लेकर बड़ा आरोप लगाया था। सम्राट चौधरी का यह साफ कहना था कि जिस तरीके से राज सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव धन बल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने बेटी तक को नहीं छोड़े हैं, और ऐसे में किडनी के बदले वो टिकट दे रहे हैं अपनी बेटी को। बता दें आपको कि जिस तरीके से 24 चुनाव हो रहा है इसको लेकर बिहार की सियासत गर्म है। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष किया है। उन्होंने लालू यादव को तानाशाह करार देते हुए आरोप लगाया है कि वह अपने गुंडों के बल पर और धन बल के प्रभाव में बिहार में चुनाव जीतना चाहते हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी ने आगे कहा है कि लालू प्रसाद यादव तानाशाही तरीके से राज करना चाहते हैं बिहार में, वे गुंडों के बल पर और धन के दम पर बिहार में चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर अग्रसर है और जनता जवाब देगी। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार की जनता मोदी के नेतृत्व में देश के विकास को देखती है और लालू यादव जैसे लोगों को उनके कहीं ना कहीं दुराग्रहों के लिए जवाब देगी। ऐसे बता दें आपको कि जिस तरीके से यह बयान जो है ऐसे समय में आया है जब बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर है, भाजपा और लालू यादव की पार्टी दोनों ही एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही है, और लगातार मुख्य रूप से देखा जाए तो सम्राट चौधरी, लालू प्रसाद यादव, राजद पार्टी, साथ ही राजद के कैंडिडेटों पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा यह सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी बयान दे रहे हैं, इसका फायदा लालू प्रसाद यादव को तो नहीं मिल जाएगा? जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने बयान दिया है इसको लेकर अब बिहार की पारा गर्म है। अब जाकर यह सवाल उठने लगा है कि आखिरकार किसकी सरकार बनेगी, इस बार महागठबंधन के खाते में कितने सीट जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सम्राट चौधरी का बयान कहीं ना कहीं देखा तो विपक्ष वालों के द्वारा कटाक्ष करने का मौका दे रहा है। ऐसे में सम्राट चौधरी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार इंडिया अलायंस के लोग निशाना साधते आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने बयान दिया इसको लेकर अब विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से 24 चुनाव होना है इसको लेकर बिहार की सियासत गर्म है। सम्राट चौधरी ने यह साफ कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव तानाशाह हैं, धन बल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, धन बल से कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसे में गुंडों के बदौलत वो सरकार बनाना चाहते हैं। तो फिलहाल क्या होगा ये देखने वाली बात होगी 24 चुनाव में। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अमित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।